साधना देखो आप, साधना मेरी साधना देखो, मैंने कितनी साधना की है कि मेरा शरीर भी पवित्र हो गया है। सुमंतभद्र क्या कह रहे हैं, ये भी कोई तरीका हुआ किसी की महिमा करने का, शरीर एक घंटे का, एक दिन का उपवास, दो दिन का उपवास, मेरा तो परमानेंट उपवास है। कौन कह रहा है ये जवाब, भगवान महावीर कह रहे हैं, केवल ज्ञान होने पर उपवास ही उपवास, हर दिन के उपवास, कौन सी भूख लगनी है, कौन सा वो खाना खाने जाने वाले हैं भाई, हमारे यहाँ कोई कबलाहार नहीं माना जाता, भगवान महावीर कहीं नहीं जाते। आप देखना, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, आदमी की कीमत करना तो कैसे कर, हम बहुत ही गलत, अच्छा बहुत अतिशय शरीर में तो ऐसे कमाल के अतिशय होते हैं, क्या कहें आपको, पता है हमारा पसीना होता है, उस पसीने में कितने इंद्रिय जीव पाया जाता है, कितने इंद्रिय जीव पाए जाते हैं। अच्छा, हम सब कौन से इंद्रिय जीव हैं, हम सब संगी पंच इंद्रिय जीव हैं, लेकिन कैसे, गर्भज हैं, गर्भज मतलब मम्मी के पेट से निकले, गर्भज है। अब ये जो यहाँ हमारे पसीना निकलता है, और भी बहुत 25 तरीके की चीजें होती हैं, इन सब में भी जीव होते हैं, कौन से जीव होते हैं, ये तो आपने बता दिया वो पैदा कहाँ हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कितने इंद्रिय जीव हैं, वो संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, वो भी आप ही के आकार वाले। अब तुम नहाते किस हिम्मत से, मुझे ये बताओ, क्या बोला मैंने, तुम नहाते किस हिम्मत से हो, मुझे इतना बताओ, तुम्हें जीव हिंसा का डर नहीं लगता, बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, नहाता तो मैं भी हूं, नहा के आया, हमारे हॉस्टल की हालत नहीं है, संगी पंचेंद्रिय जीव रहता है हर जगह, और जहां जहां से भी आपका पसीना निकलता हो, जहां जहां से आपकी और भी जितने भी ऑर्गन्स के परमाणु निकलते हो, हर जगह संगी पंचेंद्रिय जीव हैं। तुम नहाते कैसे, लार होती ना हमारी, लार सुबह की जिसको हम थूक पे फिरते हैं पूरे दुनिया भर में, आप सबको पता है पेनिसिलिन का नाम सुना है, कभी किसी ने, अरे जितना बुखार तुमको आता है दुनिया में शायद ही किसी को आता हो, तुम्हारे सारे बुखारों को ठीक करने के लिए एक एंटी बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है पेनिसिलिन, ठीक है, साइंस के विद्यार्थी हैं हम बहुत, सब पूरी दुनिया सब जानती है, सब समझदार लोग, पता है आपको पेनिसिलिन का इन्वेंशन कैसे हुआ था, पेनिसिलिन का इन्वेंशन कैसे हुआ था, तो एक साइंटिस्ट था, ठीक है, वो रिसर्च कर रहा था कि भैया दुनिया में बहुत सारे रोग लोगों को हो गए हैं, अब लेकिन एंटीबैक्टीरियल चीजें चाहिए पड़ती हैं, ओसीडी, आज दुनिया में आदमी को कितना ओसीडी है, ओसीडी जानते हैं आप क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अब ये क्या है, कहां से पंडित को उठा के लाए, ग्रंथ पढ़ाने की जगह फालतू चीजें बता, समझो आपके नाम में मजा आएगा, देखो ओसीडी का एक जनरल सेंस क्या होता है, हर बार कुछ भी होगा हमें हाथ धोना है, कुछ भी होगा हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी होगा हमें बिल्कुल परफेक्ट क्लीन रहना है, ये क्लीन रहने वाले सबसे ज्यादा बीमार होते हैं, मैं बता रहा हूं कैसे, तो मैं बात कर रहा था पेनिसिलिन की, पेनिसिलिन का जितना भी इन्वेंशन हुआ है, वो इन्वेंशन कैसे हुआ था, उस आदमी को नोबेल प्राइज मिला था जिस आदमी ने पेनिसिलिन का इन्वेंशन किया था, अब क्या हुआ, उसने किसी का ब्लड सैंपल लिया, आप सब बीमार होते हैं, ब्लड सैंपल लिया था क्या, उसने उस आदमी का ब्लड सैंपल लिया और ब्लड सैंपल वहां रख के वो 2 हफ्ते के लिए इटली घूमने चला गया, वो ब्लड सैंपल को वहां रख के वो खुला, वो चला गया इटली, अब वहां से 2 हफ्ते बाद वो वापस आया और उसने देखा कि उस खून में ऑटोमेटिकली ऐसे कुछ चीजें पैदा हो गई हैं जिन चीजों से वो बैक्टीरिया को ही काट रही है, क्या बोला, वो बैक्टीरिया को अपने आप
उस बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए खून में स्वयं एंटीबैक्टीरिया बना लिया। मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से एक भी आदमी को एंटीबैक्टीरिया की दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है? क्यों? आपकी लार पिछले दिन के खाने को बचाने के लिए एंटीबैक्टीरिया बनाता ही है। इसीलिए शरीर के कारण क्यों किसी की महिमा गाना? शरीर का अपना परिवर्तन स्वयं होता है, शरीर के कारण भगवान की महिमा नहीं है। कौन किससे कह रहा है? समंत भद्राचार्य भगवान महावीर से कह रहे हैं, भाई साहब आपकी कीमत इस कारण से नहीं है। तो अब ये आपकी बॉडी स्वयं बहुत सारे बैक्टीरिया को डिस्पोज करने का काम करती है। जितनी नेचुरल लाइफ आप जीते उतना आपको एंटीबैक्टीरियल बेनिफिट्स ग्रोथ बहुत कुछ होता है। तो अब दुनिया भर में हम लोग चाहते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे भाई, ये नेचुरोपैथी सेंटर जाएंगे, वो नेचुरोपैथी सेंटर जाएंगे, इस ध्यान के शिविर में जाएंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ लाफिंग क्लब ज्वाइन कर लेंगे। कुछ तो हमें चाहिए लाइफ में, लेकिन किसके लिए? आत्मा तो अजर अमर है। अरे हाँ जी, कि ना जी, तो फिर किसकी व्यवस्था करके जाते हो? दिन अरे पड़ोसी के है, कहते हो उससे तुम शक्कर मांगती रहती हो पूरे टाइम, और वो ही शक्कर देता रहता है, उसके पास कहां से आएगी? इसीलिए तो हम जाते हैं बाहर। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारे दिमाग में बैठा ही हुआ है ये, शरीर स्वस्थ होगा तो आत्मा स्वस्थ होगी। कैसे कैसे? मैं तो कह रहा हूँ, जब अभी संजीव जी का देहावसान हुआ था, उस समय आपने अधिकतर लोगों को ये कहते सुना होगा, भाई शरीर चंगा ते मन चंगा ते आत्मा चंगी, ऐसी बातें बहुत करते हैं लोग। उन्होंने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा बहुत किया, वैसा बहुत किया, ब्रेन उन्हें कुछ हो गया होगा, फिर ऐसा होता है, जो लोग ज्यादा बोलते हैं उन लोगों के कारण ऐसा हो ही जाता है, हजारों तरीके की बातें आपके लोगों से सुनी। मैं कह रहा हूँ पूरे टाइम हमारा चिंतन सिर्फ शरीर की ही व्यवस्था में जाता है। हमारे दिमाग में एक बार को ये विकल्प नहीं आया भैया आयु कर्म के कारण मर गए होंगे, नहीं 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 नहीं, शरीर सुधारना चाहिए। समझो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पूरे टाइम सुबह दोपहर शाम इंद्रिय के भोग मधुर विष संलारण्यमयी कंचनजला। आप विचार करके देखो, पूरे टाइम हमें महिमा किसकी आती है? जिसने अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर ली, सर्व विजेता है। अरे शरीर पर विजय प्राप्त नहीं करनी है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त। कोई जरूरत ही ना पड़े मुझे इंद्रियों की, ऐसी दशा पाने का नाम ज्ञान दर्शन है। तो भगवान महावीर से शरीर की बात है, ठीक है। अगला मुझसे पूछते हैं, अच्छा चलो फिर आपकी महिमा कैसे करें? तो वो कहते हैं कि जितना भी मेरे शरीर में परिवर्तन होता है, उस शरीर का परिवर्तन अब ऐसा हो गया है कि मैं बिल्कुल धरती पर पैर नहीं रखता। लोग कसमें खाते हैं इस बात के लिए, मैं शादी करूंगा इस लड़की से, इस लड़की के पैर जमीन पर नहीं पड़ने दूंगा, कोमल, बहुत मैं इतने प्रेम से रखूंगा, कभी आज तक किसी को नहीं रखा होगा। भाई ताजमहल भी बैर में बना था, प्रेम में नहीं बना था। कहानियां कहां जानते हैं हम सच्चाई इतिहास की, आशा समझ लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये था, भगवान महावीर अब कैसे चलते हैं? एक हाथ ऊपर धरती से हवा में। हमें महिमा किस बात की आ रही है? साधना का लेवल देखो, आप धरती पर कदम ही नहीं। भगवान महावीर क्या कह रहे हैं, देख तो भाई तू मेरा अतिशय क्यों नहीं देखता, मैंने कितने सारे काम कर रखे हैं दुनिया में, देख तो कौन कौन मेरे पास आता है, देख मेरे पास कितना सामान है। भगवान महावीर कहते जा रहे हैं और समंत भद्राचार्य, ना अतः त्वमसिनो महान, आप इस कारण से मेरे लिए महान नहीं हैं। तो फिर थक गए भगवान महावीर ने कहा, भाई अब बस बहुत हो गया, तुमको बताना है तो बताओ, नहीं तो हम जा रहे हैं। क्यों हूं मैं महान, क्यों आते हो तुम डेली मेरे पास, नाक रगड़ रगड़ के जाते हो? एक भाई सब कल पूछ रहे थे, क्यों आते हो तुम मेरे पास, क्या है मेरे पास जो तुम लेने यहां आए हो? तो वो जवाब देते हैं, आपके पास दो दुनिया की सबसे बड़ी क्वालिटीज हैं। कौन कौन सी दो क्वालिटीज हैं? दोषावरण योर हानिर
स्वहेतुभ्यो बहिरंतर्मन क्षयः। मतलब क्या हुआ भाई, ये पंडितों को आदत होती है थोड़ा एक हाथ मार दो ना लोगों को संस्कृत का श्लोक कुछ तो जो भाई क्या ज्ञानी है बात बुला है। अच्छा चलो, दोष और आवरण इन दोनों की हानि ही एकमात्र भगवान आपकी कीमत है। दोष कौन से होते हैं, सबने सुन रखे हैं 18 प्रकार के दोष, ये वो दोष नहीं है, उनमें तीन दोष सबसे प्रधान है। चलो फिर भी 18 दोष सुनाओ, सुनाओ सर 18 दोष कौन कौन से, किस किस को याद सुना। जन्म जरा तृषा क्षुधा विस्मय अरति खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता श्वेत। ये तो पूरी दुनिया के सबसे फालतू दोष हैं। इसके बाद असली दोष बताए जाएंगे, राग द्वेष अरु मरण जुग, ये अष्टादश दोष ना ही हो जिस जीव को विद्राग सोंगे। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा दोष जनरली पब्लिक क्या मानती है, मृत्यु। मृत्यु इतनी बड़ी चीज है भाई, एक ऐसी शैया का नाम है जो बिल्कुल सदा तैयार बैठी रहती है। तुम एक बार थके कि उसने तुम्हें लिटाया, मृत्यु के भय से हर रात भी दुखी है। मैं कह रहा हूं मृत्यु होती किसकी है, शरीर की, लेकिन हमें क्यों इतना मजा आ रहा है उससे, क्योंकि हम उसके बाहर सोचते नहीं है। अब सोचोगे थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बातें समझ में आएगी। जैसे देखो भाई, हम पानी को मानते हैं दिखाई देता है, हम पत्थरों को मानते हैं दिखाई देता है, हवा नहीं दिखाई देती लेकिन इंद्रियों से महसूस होती है। यही वो इंद्रियां हैं जो तुम्हें प्रति समय इस बात को महसूस करा रही हैं तू उपयोग स्वभावी आत्मा है। हम ना देखे तो हमारी मर्जी है भाई साहब, आपने ये जो मुंडी हिलाई है ये आत्मा ने हिलाई है कि शरीर ने हिलाई है। वो आत्मा के प्रदेश उस जगह ना हो तो आप मुंडी नहीं हिला सकते। हिला के दिखाओ जरा मुर्दा से मुंडिया। हम सारा का सारा काम शरीर के लिए ही कर रहे हैं, हमारा चिंतन मनन सारा शरीर के लिए जा रहा है। और अभी भी क्या हालत है भाई, ऐसा पंडित बुलाओ जो थोड़ी मीठी मीठी बातें करे, कान में दर्द होने लगता है। मैंने ऐसी सुनी है सारी बातें, हम भी समाजों में बैठे हुए हैं जो जब जब ऐसा मौका होगा ना कि भैया चलो इस बार किसको बुलाएं, ऐसे पंडित को थोड़ा मीठा मीठा हो, थोड़ी प्यार से बातें करे, ज्यादा किताबी बातें ना करे, थोड़ी रियल लाइफ की बातें होनी चाहिए। कुछ ऐसी ऐसी बातें सुनी हमने लोगों से, हम क्या बताए। तो आशय मेरा इतना सा था इस विषय को कहने का कि जितनी भी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं ये सब बिल्कुल एक्सटर्नल चीजें हैं। अब मृत्यु भी वास्तव में कोई दोष नहीं है, ये तो शरीर के वियोग का नाम है, इससे बड़ी कोई बात नहीं। दोष क्या है, तो उन्होंने तीन दोष बताए जो दुनिया के सबसे बड़े दोष हैं, इनका नाम है मोह राग और द्वेष। इतनी सी बात, ये इतनी सी बात नहीं है, ये बात उन्होंने बालबोध पाठमाला में बच्चों को याद करा रखी है। बताओ मंगल किसे कहते हैं, मंगल की कोई भाषा याद है। अरे क्या बात है मम्मी जी, जिसने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता उसे जिन कहते हैं। तो मंगल किसे हैं, किसे कहते हैं, तो जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे। ये बात कहां पढ़ ली हम लोगों ने, बालबोध में। अब मैं आपसे पूछता हूं आपके बालबोध कहां है, आपके बालबोध कहां है, मतलब जिनको आपने मिलकर के बाल में बोध दिया था, कहाँ है वो सब, कहाँ है वो सब। मतलब मैं क्या, मैं बुला नहीं रहा किसी को, मेरे कोई इन्विटेशन कार्ड का धंधा नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चूंकि हमने इतनी सारी पाठशालाएं चलाई, हमने इतने सारे लड़कों को पढ़ा लिया, अब वो लड़के चूंकि प्रवचन में नहीं आ रहे हैं इसीलिए उनके लड़के पाठशाला में नहीं आ रहे। पॉइंट समझ रहे हैं, पंडित क्या बताएगा मुझे प्रवचन में, वो यही तो बताएगा कि जो हमने ऑलरेडी बालबोध में पढ़ रखा है, इतना ज्ञान में पढ़ रखा है, इससे बाहर क्या ही बता देगा वो। और देखो मैं भी आपको यही बता रहा हूं जो मैं बता रहा हूं बालबोध में लिखा है, बस फिर हम पढ़ लेंगे हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल सेम हालत थी। एक बार क्या हुआ था,
मुसलमानों के बीच में झगड़ा हुआ। मुसलमानों की दो पार्टीज हैं, कौन कौन सी दो पार्टीज हैं? एक शिया और एक सुन्नी। सबको सब पता है, जैनियों के नहीं पता। एक शिया और एक सुन्नी, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि शिया वाली पार्टी क्या मानी जाती है, ये मोहम्मद प्रॉफिट के अनुयायी है, ठीक है, अनुयायी नहीं है, उनके ही वंशज हैं, ठीक है। और फिर मोहम्मद प्रॉफिट के अनुयायी होते हैं, अनुयायी मतलब उनकी परंपरा में जो धर्म ग्रंथों को पढ़ता पढ़ाता है उसको हम उसका अनुयायी कहते हैं, ठीक है। तो क्या परिस्थिति हुई? परिस्थिति ये बनी कि उन्होंने उनसे पूछा कि भैया शिया ये जितने लोग थे वो सब चूंकि मोहम्मद प्रॉफिट के वंशज थे तो वो समझते थे भाई हमारी बहुत कीमत है धरती पे, हम हमारे वंशज थे ना, वो हमारे वंश में पैदा हुए थे तो कितनी महानता की बात है उस वंश में पैदा होना। तो आजकल हमने भी यही करना शुरू कर दिया है, गुरुदेव के वंशज हैं, अनुयायी का पता नहीं, वंशज जरूर नहीं किए हैं हम अचानक। तो सुन्नी पार्टी से, सुन्नी पार्टी कौन सी पार्टी होती है? तो वो जनरली धर्म गुरुओं वाली पार्टी होती है, वहाँ बहुत सारे गुरुओं के पास जाएंगे, चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे, अध्ययन करेंगे, कुरान की लाइनों पर विचार करेंगे, उस पर बहुत सारा चिंतन मनन किया जाएगा। तो अब शिया वालों से कहा गया भाई आप लोग क्यों नहीं आते मस्जिद में जब ये सब पढ़ाया जाता है, जब ये सारी चर्चा होती है, आप क्यों नहीं आते? तो पता उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया वो जो आदमी जिसको आप गुरु कह रहे हो वो वही बता रहा है कि नहीं बता रहा है कि जो कुरान में लिखा है? वही बता रहा है, वही बता रहा है कि मैं कुरान पढ़ लूंगा, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। अब दूसरा उसका नहीं नहीं वो कुछ नई बातें बताते हैं उसमें से कुछ, तो अब वो ये कह रहे हैं नई बातें बताता है, यदि वो नई बातें बताता है तो हमें नहीं सुनना कुरान से बाहर बातें। पॉइंट समझे आप, मैं आपसे क्या लेना चाह रहा हूं? आज हमारे जितने लड़कों को हमने पाठशालाओं में पढ़ाया है यही हाल है। क्यों? क्योंकि हमने प्रवचनों में उनके उस नॉलेज को टेस्ट करना शुरू कर दिया है। भाई पढ़ लिया, पढ़ जबरदस्ती तुम्हें क्यों ये मौका मिलता है? नहीं नहीं हमने पढ़ा है, तुम पूछो 25 बातें बताओ, ये ऐसा ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, क्यों करना है? कोई जरूरत नहीं, शांति से उन्हें बैठने दो, जैसे आप बैठे हो वैसे वो बैठे हैं। जबरदस्ती टॉन्ट पास करना, परेशान करना, हमने भगाया है जनरेशन को, तुम ऐसा नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते, जवान खून हो और ऐसा है और वैसा है और 25 बात है। क्यों? क्योंकि तुम्हें भी शरीर ही दिख रहा है, कल को उन्हें भी शरीर ही दिखेगा। तुम्हें रसना इंद्रिय वाला शरीर दिखाई दे रहा है, उन्हें कर्ण इंद्रिय वाला शरीर दिखाई दे रहा है, क्या अंतर पड़ रहा है? तुम बड़बड़ाओ बेसुने कब तक? जनरली ये बात सिर्फ पाठशालाओं की परिस्थिति नहीं है, घरों के भी यही हाल है। भाग जाते हैं एक बच्चे घर छोड़ करके, भाई हो गया, जिंदगी भर तक जितना सुनना था हमने सुन लिया। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण ये था, तुमने बच्चों को वो पढ़ाया जो तुमने कभी नहीं पढ़ा था। पॉइंट समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? स्कूल कॉलेजों में पढ़ाओगे, इंग्लिश की एजुकेशन कराओगे, वो हर दिन ये विचार करता है मेरी मम्मी को कुछ नहीं आता, हर दिन वो ये विचार करता है मेरे पापा को कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो बहुत बड़ा ज्ञान है। और हम करते भी ऐसे, एक आध आदमी अंग्रेजी में कुछ कहता कहता फिरता मिल जाएगा ना, हम ऐसे बताते बेटा ऐसा बनना है, अरे पागल हो तुम, क्या बना रहे हो तुम उसे? सोच करके देखो ना, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी बने, वो हमारी सेवा करें, लेकिन पसंद किसको करते हैं? एनालाइज को, बेटा ऐसी पढ़ाई करनी है तो इंडिया से बाहर जाना है। बच्चा क्या करेगा भाई? आपने खुद उसके जीन्स में ये डाल रखा है, बेटा मुझे छोड़ के चले जाना कोई बड़ी बात नहीं। हम विचार ही नहीं कर रहे होते हैं, सारा भाषा के खेल में खेलते रहते हैं, दिन भर भाषा का ही खेल खेलते हैं और कुछ नहीं करते। इसीलिए कल मेरा बहुत विचार आया था ये कहने के लिए, क्या रखा है शब्दों में? हर बात हर इमोशन तो हम फेशियल तरीके से बता ही सकते हैं, शब्दों की जरूरत ही क्या थी हमें जिंदगी? बिल्कुल कोई यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। जिस दिन आपको समझ में आए शब्द लोगों का दर्द कम करते हैं तो उनका
प्रयोग कीजिए। शब्द वो बात बता सकते हैं जो बात आंखें नहीं देख सकती, शब्द वो बता सकते हैं जो कान नहीं सुन सकते, शब्द वो बता सकते हैं जो रसना इंद्रिय चख नहीं सकती। इसका नाम है आत्मा। शब्द ये काम कर सकते हैं, वो आपको आत्मा दिखा सकते हैं। सर बताओ, पूरे इतनी शताब्दियों से कब से चल रहा है भगवान महावीर का उपदेश लिखित रूप में? लिखित रूप में 2000 साल हुए। 2000 साल से भगवान महावीर का उपदेश लिखित रूप में चल रहा है। बताओ शब्दों की कीमत कितनी बड़ी होती है। कितने सारे ज्ञानी धर्मात्मा हमारे सामने हो गए, कितने सारे आचार्य हो गए, कितने कितने लोगों ने उस बात को समझ लिया, और हम पढ़ने के पीछे भागते, पढ़ने से पीछे भागते। हम खुद पढ़ने से, हम पढ़ने से भागते हैं और फिर दोष देते हैं बच्चों को कि बच्चे तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते। क्यों पढ़ेगा भाई वो लड़का, जिम्मेदारी है उसकी। क्यों बस तुमने स्कूल कॉलेज की फीस भर रखी है, बहुत सारे पैसे लगा रहे हो, तो उसे पढ़ाई करना चाहिए। क्यों जबरदस्ती? अरे ज्ञान जानते नहीं हो, ज्ञान ही बना रहे हो। ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान किताबों को रटने से नहीं आता है। अब शुरू कर रहा हूं मैं। ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान आज तक किसी ने तुम्हें लाके नहीं दिया और कोई तुम्हें दे भी नहीं सकता। इसका नाम है न्याय, इसको कहते हैं लॉजिक। मैं आपके सामने लाख गे रख दूं, बताओ कितनी देर में आपको याद हो जाएंगे कि वो लाख कौन कौन सी चीजें रखी थी? नहीं होगा। थोड़ा चलो कम करते हैं, 1000 रख देते हैं, याद हो जाएगा। चलो आधा एक घंटे में याद हो जाएगा, 2 घंटे में याद हो जाएगा। चलो और थोड़ा कम करते हैं। हम जबरदस्ती बच्चों को आईएएस इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी सारी किताबें अवेलेबल है। अरे भाई ये क्या है? क्या दे रहे हैं हम किसी को, क्या दे रहे हैं? और फिर जिस दिन वो आईएएस के इंटरव्यू में फेल होके आएगा, जिंदगी भर उसे गाली देंगे। तुमने ये गंदी लत लगाई थी उसको, किताबें पढ़ो, और फिर दूसरी लत लगा रहे हो जिंदगी देखो। वाह, कब देखेगा वो जिंदगी? बहुत बार मैंने इस बात को कहने का विचार किया है। देखो आज मैं कह देता हूं, अपने बच्चों को 3-3.5 साल की उम्र में स्कूल कॉलेज भेजने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तुमने उस बच्चे को दुनिया दिखाने से पहले किताबें दिखा दी। ना उसको एक्सरसाइज की कीमत समझ आती है, ना उसको बुद्धि की कीमत समझ आती है, ना उसको दुनिया के किसी काम की कीमत समझ आती है। उसको सिर्फ एक कीमत समझ में आती है, मम्मी कब तारीफ करेगी मेरी, जब मेरे मार्कशीट में नंबर आएंगे। तुमने यही सिखा रखा है उसको। अब धीरे धीरे करके, अभी बचपन में तो उसका सिलेबस कम था तो उसे समझ में आता था, सिलेबस बढ़ने लगा उसको कुछ नहीं समझ में आता। अरे नहीं भैया, ऐसा होता है, बच्चों को जल्दी स्कूल कॉलेज में डाल दो तो वो जल्दी से डिग्री में पहुंच जाते हैं। तुमने बच्चे को ये सिखा रखा है, मोर अटेम्प्ट्स मतलब मोर इंटेलिजेंस। आईएएस के तेरे को अटेम्प्ट देने के लिए कितने साल हैं? 6 साल हैं। 6 साल में कितने बार आईएएस के अटेम्प्ट्स दे सकता है? 12 बार दे सकता है। वाह, ये तुम्हारा तरीका है बच्चों को एजुकेशन देने का? ये तरीका होता है बच्चों को समझदार बनाने का कि आपने उसको बता रखा है कि तेरे को 12 बार ऑप्शंस दिए जाएंगे। वाह, शायद तुमने उसको 4-5 साल लेट स्कूल में भेजा होता तो बाद में जाकर के उसे दुनिया के साथ वो ज्ञान को ग्रहण करने की इच्छा होती तो अपने आप किसी दिन वो 1 अटेम्प्ट में 2 अटेम्प्ट में काम कर लेता। ये जल्दी, अर्ली एजुकेशन मतलब अर्ली किलिंग। समझो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा कोई मिशन नहीं है भाई भारत देश के विरोध में कोई काम विचार करने का, बिल्कुल भी नहीं है। आपकी समझ आपके पास। लेकिन क्या हमने बच्चों को ये नहीं सिखाया है अर्ली एजुकेशन के नाम पर, बेटा तेरे को ऑप्शंस बहुत है। खेला कभी आपने शेयर मार्केट में ऑप्शंस का खेल? सब में खेला होता है, बिना इसके ऑप्शंस कहां चलते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है ऑप्शंस आर कॉन्शियसनेस। कितने सारे आपको शेयर मार्केट सिखाने वाले लोग ये सिखाते हैं, शेयर मार्केट तो सजीव वस्तु का नाम है क्योंकि सजीव लोग उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। कोई निर्जीव वस्तुओं का इधर उधर लेन देन नहीं होता। वस्तुएं तो क्या है, आज आई कल चली गई, उनमें कुछ दम थोड़ी है।
तम किस में, तम है आपकी समझ में, कि जगत का परिवर्तन किस आधार पर हो रहा है। अब जगत का परिवर्तन की समझ यदि आपको डेवलप नहीं होगी तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं करोड़ों लोग, और उनमें से ही आप जब हिसाब लगाने बैठते हो तो 99 लाख लोगों का होता है लॉस और 10 और 1 लाख लोगों का होता है प्रॉफिट। तुम 1 लाख में क्यों नहीं आए थे? क्योंकि तुम्हें ये पता है कि डीमैट अकाउंट खोलना कितना आसान है, ये नहीं समझ में आता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कहां किया जाता है। हमने बुद्धि को लगाने का काम ही नहीं सीखा अपनी लाइफ में। कभी मैं कहता हूं माताओं बहनों ने कितने सारे बच्चों को सिखाया होगा खाना बनाना, हर बच्चा एक बार में खाना बनाना सीख जाता है। एक हाथ कोचिंग क्लास चालू करो तो पता चलेगा तुमको पढ़ाना कितना कठिन काम है। अब हम सब बायोलॉजिकली पेरेंट्स बन गए, बायोलॉजिकली पेरेंट्स बन गए का मतलब समझ गए, बस शादी हो गई, बच्चा हो गया, हम पेरेंट बन गए, इसको पेरेंटिंग कहते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा ने जिंदगी भर तुम्हें किताबें समझाई हैं, तुम भी उस बच्चे के साथ उन किताबों का खेल खेलोगे, और फिर तुम तेज दिमाग के थे तो तुम्हें नंबर पे नंबर मिलते चले गए, उसके नंबर नहीं आएंगे, तुम्हारी और खराब हो। फिर हम साम दाम दंड भेद पता नहीं उस लड़के की समझ के लिए उसे क्या नहीं करवाते हैं। पहले स्कूल भिजवाएंगे, स्कूल से आएगा तो ट्यूशन जाएगा, फिर एक्स्ट्रा ट्यूशन जाएगा, फिर ये क्या करवा रहे हो तुम? सिर्फ उल्लू बनाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं तुम्हारे पास। इस बात के लिए ज्ञान किसे कहते हैं वो बात मैं आज आपको पढ़ाने के विचार कर रहा हूं। ज्ञान कहते किसे? जबरदस्ती हमने ज्ञान को पता नहीं दुनिया के कौन से कोने में रख रखा है। ज्ञान किसे कहते हैं? ये 10वीं 11वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उनका नाम है माणिक्य नंदी। क्या नाम है? अरे क्या नाम है? आप, मैं ये कह रहा हूं बच्चों को आप उस एरिया से बाहर निकालिए जरा, जितने भी अपने यंग लोग हैं आप गलती से उन्हें समय सार पढ़ाने मत बिठाना। कि समय सार पढ़ाने बिठाने का मतलब ही ये है कि जो बात वो बालबोध और मित्र विज्ञान में पढ़ाया है उसका सार आप दोबारा पढ़ा रहे हो उसे। उसको चाहिए ब्रेन का स्टिम्यूलस, कुछ नया दो, कुछ तो नया सोचने को दो, कुछ तो नया, मतलब कब तक एक ही बात रटते रहोगे? तो थोड़ा तो दिमाग लगाओ, थोड़ा स्टाइल तो बदलो भाई। देखो स्टाइल बदलवाते हैं, ठीक है? तो आज हम अब से सुबह न्याय के ग्रंथ पढ़ने का विचार बना रहे हैं। न्याय के ग्रंथ बहुत अच्छे ग्रंथ हैं। आज पूरी दुनिया में साइंस को सिर्फ एक चीज के लिए जाना जाता है और उसका नाम क्या है? लॉजिक। पूरी साइंस को किस लिए जाना जाता है? लॉजिक। भाई उनके पास में जवाब होते हैं, आपको पता है सारे जवाब सही होते हैं गलत होते हैं ना? जवाब होते हैं। लो आज मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूं, तुम जो बोलोगे मैं उसका जवाब दूंगा, जैसा बोलोगे मैं उसका जवाब दूंगा। अरे ऐसा नहीं होता है भाई, लॉजिक को भी सही गलत चेक करना पड़ता है। बस किसी ने आपसे कह दिया भाई हमारी सारी बॉडी में सारा का सारा जितना भी नॉलेज है वो ब्रेन में भरा पड़ा होता है, और हमने क्या कर लिया? मान लिया। क्यों भाई? ब्रेन में नॉलेज होता है। जितने साइंस वाले अभी उनकी उल्टी गिनी नहीं है, अभी रुको। अरे ब्रेन में नहीं होता है तो सारा नॉलेज होता कहाँ है? अब मैं आपको जरा इसका राज समझाता हूं, ठीक है? समझना, बड़ा गहरा बिंदु है। What is brain? What is brain? Brain क्या है? तो brain केवल skin है। क्या है? Skin। और उस skin में अंदर artery और veins हैं। मतलब उसमें neurological movements के लिए ये जो यहाँ पे नस होती है, ऐसे ही नसें वहाँ होती हैं। तो brain में सिर्फ दो ही चीजें पाई जाती हैं। एक तो skin और दूसरी नसें, ठीक है? अब क्या है? आप यदि स्किन जितनी वहां पर है ना उसको खोल दो, जितना ब्रेन में हमारी स्किन होती है उसे खोल दो, तो आप समझ लो ऐसे 20 कमरे होंगे, 20 कमरे। और जब आपका वो ब्रेन खुल खुल के उसकी स्किन बाहर आएगी ना, तो ऐसे 20 कमरे भर जाएंगे, इतनी स्किन होती है आपके ब्रेन। पॉइंट समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? सारा जितना भी आपके बॉडी के सेंसेस हैं उन सब में जितना भी कनेक्शन है वो सीधे जाता है ब्रेन में, कहीं नहीं जाता वो ब्रेन में। उन सबका एक कनेक्शन है। सपोज आपका हाथ है, हाथ, ये हाथ का कनेक्शन जबान से कैसे करना है?
तो हम सीखते हैं बचपन में भाई यहां पर खाना रखा होता है, खाना कैसे जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। ये कनेक्शन किसने किससे किया है? हाथ में जो आपके आत्मा के परमाणु हैं और मुंह के स्थान पर जो आत्मा के परमाणु हैं, वो यहां के परमाणुओं ने यहां पर कनेक्शन किया। अब बीच में क्या परिस्थिति बनी? तो यहां से ये पूरी स्किन कनेक्टेड है यहां जाके इधर। तो अब ब्रेन में जितनी स्किन है उतने आपके पूरी बॉडी में कोई स्किन नहीं। अब ब्रेन के साथ क्या कनेक्शन है? बॉडी के सारी जितनी भी नर्व्स हैं, जितनी भी नसें हैं, वो सब ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। तो क्या होता है, जब भी आप बॉडी में कुछ करते हो तो वो सारी की सारी जानकारी कहां पहुंच रही है? उस स्किन में। क्यों? क्योंकि सारी स्किन एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अब क्या हो रहा है, पैर में कुछ हो रहा है तो वो स्किन कनेक्टेड है आपके ब्रेन से, तो वो कनेक्शन आपका नसों में मूव करता रहता है। और वो जैसे मूव करता रहता है, चार पांच जगह की जानकारी एक साथ एक जगह इकट्ठी हो जाए तो आपको स्ट्रेस चालू होता है। अरे होता है कि नहीं होता? आपका पैर भी काम कर रहा है, आपका हाथ भी काम कर रहा है, आपका दिमाग भी काम कर रहा है, भूख भी काम कर रही है। 10-15 चीजें मिल जाएं तो ये सारी जानकारी कहां पहुंच गई है? ब्रेन। अब वो ब्रेन डिस्टर्ब हो गया, भाई मैं पहली वाली पहले निपटाऊं, दूसरी वाली पहले निपटाऊं, तीसरी वाली, इस चक्कर में क्या होता है, वो वहां पर प्रेशर क्रिएट होने लगता है। अब वो नसें एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, इंटरेक्ट करने में वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर नहीं पाती है कि भाई किस वाले का काम पहले करना है किस। इसलिए आपको इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स मिलेंगे, वो ये सिखाएंगे भाई हमेशा अपने कामों की एक लिस्ट बनाओ और उन सारे कामों को दो चीजों में डिवाइड करो, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। सुनिए आपने कभी ये सारी बातें? इंपॉर्टेंट काम को अभी नहीं करना है लेकिन जिंदगी में वे बहुत जरूरी है। अर्जेंट काम को पहले करने की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल कब भरना है भाई? इलेक्ट्रिसिटी का बिल कब भरना है? बस डेट से पहले भरना है। तो वो अर्जेंट काम हो जाता है बिल्कुल महीने के अंत में, भाई अब तो अगले महीने की मिलेगी नहीं, इसीलिए अर्जेंट काम। इंपॉर्टेंट काम क्या होता है भाई? इंपॉर्टेंट काम वो होता है जो लाइफ के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई, सोच, रहन सहन, खान पान, विचार, मित्र, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये अर्जेंट नहीं होते। लेकिन अब किसी दोस्त ने कह दिया भाई भाई मेरे घर पे ऐसा ऐसा हो गया है, मेरे को मदद की जरूरत है, अब वो अर्जेंट हो जाता है। हम सारे काम छोड़ छाड़ के भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल 2 दिन बाद भी भर लिया जाएगा, दोस्त नहीं मिलेगा फिर। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हमारा ये जो ब्रेन है वो प्रोसेसिंग करता रहता है कंटिन्यूसली, और उसकी प्रोसेसिंग वीक होने लगती है तो हमारा काम खराब होने लगता है। अब हम क्या समझ रहे हैं? ज्ञान कहाँ रहता है? ब्रेन में। मतलब हम एकेंद्रीय बनना चाहते हैं। बात कुछ समझ में आ रही है? क्या है यहाँ ब्रेन में? स्किन। स्किन मतलब स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय वाला जीव कौन होता है भाई? एकेंद्रीय। और एकेंद्रीय मतलब कौन? ये वनस्पति, ये पृथ्वी, ये हवा, ये सब एकेंद्रीय है। ब्रेन में यदि तुम्हारी बुद्धि रहती है बेटा तो हमेशा तुम शरीर आश्रित ही थे, शरीर आश्रित ही रहोगे। ये यदि तुमने मान रखा है तो समझ लो तुमने कभी अपने आप को आत्मा छोड़ो मन भी स्वीकार नहीं। सारा काम हमारे एकेंद्रियों का चल रहा है। तुम एथलीट बहुत अच्छे बनोगे लेकिन आत्मान कभी नहीं बनोगे। तुम आईएएस बहुत अच्छे बनोगे लेकिन तुम आत्मान कभी नहीं बनोगे। तुम दुनिया में सब कुछ बन जाओगे, क्या नहीं बनोगे? और ये तो आत्मानुभवी तो बहुत दूर की कहानी है भाई साहब। आत्मानुभव तो छोड़ो, तुम साधारण मनुष्य नहीं बनोगे, क्योंकि मनुष्य मनु के कारण कहते हैं, विवेक के कारण कहते हैं, और विवेक कभी आपको ब्रेन नहीं दे सकता। ब्रेन के पास विवेक के सिग्नल्स नहीं होते, उसके पास सिर्फ शरीर के ही कनेक्शंस पाए जाते हैं। मनुष्य उस दिन बनोगे जिस दिन तुम्हें ये पता चलेगा मम्मी ने चाटा मारा है तो मुझे पुलिस केस नहीं करना है, सिखाने का ये तरीका। मैं इससे ये समर्थन नहीं कर रहा हूं कि माए चाटा मारते रहे बच्चों को, वो आशय नहीं है। पिटाई करना कोई समझदारी का काम नहीं होता है, लेकिन आशय समझो आप, विवेक, सोच, समझ। हम इस सबको खो देना चाहते हैं सिर्फ इस नाम पर साइंस है।
साइंस ने हमें दुनिया में क्या कुछ नहीं दिया है, साइंस को हम सही मानेंगे। अरे भाई साइंस किसे कहते हैं, ये साइंस वालों से तो पूछ लो, चार साइंटिस्ट एक मुद्दे पर एक विचार रखते हैं, मैं मान जाऊंगा भाई साहब। एवोल्यूशन नाम का मुद्दा है, कम से कम देश में 1,00,000 से ऊपर संभव लोग विचार करते हैं किस विषय पर, एवोल्यूशन पर, और हर आदमी का विचार एवोल्यूशन के बारे में अलग है। एक एक व्यक्ति एक थ्योरी को डार्विन की मानता है, दूसरी थ्योरी को नहीं मानता, कोई दूसरी को मानता है तो पहली को नहीं मानता है, इतने सारे झगड़े हैं। तुम किस साइंस के पीछे अपना पूरा जिंदगी बिताना चाह रहे हो? सुपरनोवा एक्सप्लोशन होता है, फिर ब्लैक होल होता है, कुछ दिनों बाद हम लोग सब, अरे तुम्हारी बुद्धि बैक ब्लैक होल हो चली है। जबरदस्ती बस हमको ज्ञान के नाम पर संज्ञाएं जीवन में पढ़ाई जानी है, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। अरे क्या मिल रहा है तुमको ये जान के? पूरी की पूरी बायोलॉजी आपको सिर्फ नॉमेनक्लेचर के अलावा कुछ नहीं सिखाती। कितने स्पीशीज है भाई? 18,00,000 स्पीशीज इस दुनिया में पाई जाती है। क्या मिला ये जानकारी लेके तुम्हें? सबके नाम लिखना है। पूरी जिंदगी आदमी ने सिर्फ इस काम में निकाल दी। आज आप जो ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, आपको पता है कितने लोगों के बलिदान के बाद ब्लड टेस्ट करना सीखी है बायोलॉजी, और उन सब की हम धड़ल्ले से तारीफें करते हैं। आपको पता नहीं है ये आज से 3,000 साल पहले जिस पहले आदमी ने बॉडी को डाइसेक्ट किया था, वो मृत शरीर को नहीं लाया था बॉडी को समझने के लिए, जिंदा को मार कर सीखा था उसने। और तुम समझते हो तुम्हारे ब्लड टेस्ट तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ दे रहे हैं? अरे शरीर का ही ज्ञान कराएंगे ना भाई, इससे ज्यादा किसका ज्ञान कराएंगे वो? नहीं नहीं ऐसा है, टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने टेस्ट नहीं किए तो आपको लाइफ में पता कैसे चलेगा कौन सी डिजीज है? कौन सी डिजीज को डिजीज कहते हैं? जन्म मरण डिजीज है। ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। नहीं नहीं नहीं, जन्म और मृत्यु तो मेंटेन करने पड़ते हैं भाई, बिना इसके हमारा काम कैसे चलेगा? अब वो जल को दे रहे हो, जल को ले रहे हो, तुम बताओ। और ये जो जल है भाई साहब, ये पूरी दुनिया में सबसे पहला फिलोसोफर हुआ था, उसका नाम है थेरीज। वो कहता है पूरी दुनिया पानी से ही तो बनी है। कैसी बात कर रहे हो भैया, ये पानी से बना है? ये पानी से बना है? जी हाँ, ये पानी से बना है। कैसे? वनस्पति काय कैसे काम करता है आपको पता है? ये काय से बना है। आप बच्चों को ऐसे क्यों नहीं पढ़ाते? आपकी भी बुद्धि में कुछ जाएगा, आपके बच्चे की भी बुद्धि में कुछ जाएगा, और शांति से जिंदगी बीत जाएगी। गाली दे दे के एजुकेशन के नाम पे हम दे क्या रहे हैं लोगों को? सिर्फ कषाय बांट के आते हैं। स्कूल में जाएंगे, टीचरों से लड़ेंगे, मार काट करेंगे, क्यों करना है भाई ये सब? तुम्हें एक बार को नहीं पता था तुम कितने बड़ी एंटिटी थे? नहीं नहीं भैया, वो AI हमसे बड़ी एंटिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू सी इंटेलिजेंस। तुम्हारा AI उस दिन फेल हो जाता है, किस दिन फेल हो जाता है? जिस दिन आप उसको वो दो जिसके बारे में उसकी प्रोसेसिंग कभी की ही नहीं थी। आज हम सब इस एजुकेशन सिस्टम के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंट बन गए हैं एजुकेशन के। अकाउंटेंट मतलब इस सब्जेक्ट में इस लड़के के कितने नंबर तो मैं एडमिशन दूंगा, इस लड़के के इस सब्जेक्ट में कितने नंबर तो मैं एडमिशन नहीं दूंगा। हम सिर्फ ज्ञान के अकाउंटेंट बन गए हैं। हमको ना ज्ञान क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। जैन दर्शन में ज्ञान किसे कहते हैं, इस बात को समझाने के लिए माणिक्य नंदी आचार्य ने लघु प्रवचन सार के नाम से, जिसकी ख्याति मैं आज बनाना चाह रहा हूं, उस ग्रंथ का नाम है परीक्षा मुख, उसका पहला सूत्र लिखा था। ठीक है, आपके सामने वो सूत्र दिया हुआ है, सूत्र पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, स्व अपूर्व अपूर्व, अरे बोलना है, थोड़ी सी मेहनत करोगे आपको मजा आएगा। अपूर्व अपूर्व अर्थ अर्थ व्यवसायात्मकम व्यवसायात्मकम ज्ञानम ज्ञानम प्रमाणम प्रमाणम स्वापूर्वार्थ स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम
स्वार्थ व्यवसायात्मकम्, स्वार्थ व्यवसायात्मकम् ज्ञानम् प्रमाणम्, ज्ञानम् प्रमाणम्। ये एक सूत्र दिया था किसने? माणिक्यनंदाचार्य ने। कौन सा ग्रंथ है? परीक्षा मुख नाम का ग्रंथ है। अब देखो इस सूत्र में उन्होंने क्या बात कही है। बात हो रही है प्रमाण की। प्रमाण मतलब किस ज्ञान को हम सही समझें और किस ज्ञान को हम गलत समझें। अभी इतनी देर से अपन यही कर रहे थे। कितने सारे प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं, जवाब तो सही है भैया देते नहीं है, ये बात समझ लेना। इनको प्रश्न ही करना आता है, थोड़ा दिमाग में वायरिंग खराब रहेंगे। तो मतलब समझो, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ये समझिए कि प्रमाण मतलब वेरीफाइड नॉलेज। वेरीफाइड मतलब हमें पक्का पता है कि ऐसा ही होता है, ठीक है। अब जितना भी एवोल्यूशन पर आप विचार कर लो, मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछने वाला हूं, आर यू श्योर? वेरीफाइड, वेरिफिकेशन के लिए आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, आर यू श्योर? कल को खुदाई कुछ और होगी, परसों को एवोल्यूशन कुछ और हो जाएगा। इसलिए तुमको सिर्फ शरीर का एवोल्यूशन क्यों समझना है, तुम बुद्धि के एवोल्यूशन पर काम क्यों नहीं करते भाई? बुद्धि का एवोल्यूशन समझे आप? आज जितने थॉट्स मुझे आ रहे हैं वो थॉट्स कैसे आए? कल हमने बात की थी इस बारे में, जो कल आपको थॉट्स आ रहे थे वो कैसे आए, फिर वो थॉट्स कैसे आए, फिर वो थॉट्स कैसे आए? इसके एवोल्यूशन पर विचार करो, आपको हमेशा चार ही चीजें कॉमन नजर आएंगी। इनको कहते हैं चार संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। पूरी दुनिया इन्हीं के आधार पर चल रही है। बताओ पेड़ों को आहार की जरूरत नहीं पड़ती? अरे हवा को आहार की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के वो गर्म से ठंडी और ठंडी से गर्म में मूव करती है। सबको आहार चाहिए। भय, सबको भय। सुनिए आपने कहानियां, आज सबने देखी होगी पिक्चर तारे जमीन पर। पेड़ों को भय, गालियां देके आओ सूख जाते हैं। भय, मैथुन, रिप्रोडक्शन, सभी रिप्रोड्यूस करते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो रिप्रोड्यूस नहीं करती? कोई सेक्सुअल कर रही है, कोई एसेक्सुअल कर रही है, सब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। और परिग्रह, हर चीज को एक्यूमुलेट करने में मजा आता है। ऐसा पेड़ जिसको आसपास से पानी ना मिले वो बेचारा मर जाता है, लेकिन आप ऐसे नहीं। यदि तुमने इंद्रियों से अपने जीवन में ज्ञान को समझा है तो तुम बिल्कुल उस पेड़ के समान हो, आज नहीं कल बन जाओगे। यदि इंद्रियों के लिए पूरा जीवन बिता दिया तो, क्योंकि इंद्रियों के लिए तो हमने इतना परिग्रह बना रखा है। ज्ञानियों का परिग्रह मैं आपको बताता हूं, वो बिल्कुल नीरस, सड़ी हुई, बेकार सी, पुरानी धोते जैसी किताबें लेके घूमते हैं, इसको परिग्रह कहते हैं। अरे भाई साहब नई बाइंडिंग में आ गई है तो मैं कैसे समझाएं पुराने एडिशन की क्या कीमत होती? आज कितनी सारी चीजों पर हम पुराने एडिशन ढूंढे। भाई शेक्सपियर का सबसे पुराना एडिशन है, ये वर्ड्सवर्थ का सबसे पुराना एडिशन है। हम कितने सारे लोग हैं ऐसे भागते फिरते रहते हैं। हमें कभी मन में आया चलो एक बार पांडुलिपि तो देखे आए, किसी मंदिर में कैसी होती है पांडुलिपि, आचार्य ने उसके बारे में क्या कहा था? कभी कोई मतलब ही नहीं, हमें तो परिग्रह चाहिए। नए से नया पंखा, आपके ये पंखे देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। चलो कुछ तो आपने पुराना रख लेता है, बाकी सब तो बहुत नया है। अरे शक्लें कौन सी नहीं कर लोगे, मेरी शक्ल भी नहीं कर सकता भाई, भैया आपको पता नहीं प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है। बात समझो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमारा पूरा जीवन उस एक शरीर के ही हिसाब में पूरा का पूरा जाता है और कोई दूसरा काम नहीं कर रहे, और समझते हैं कि वही नॉलेज है, सारा नॉलेज शरीर से आता है, इसलिए हमको एंथ्रोपोलॉजी लगानी है। कहाँ? एवोल्यूशन में। वाह, अरे एवोल्यूशन में कभी बुद्धि तो लगा के देखो। हम जब पैदा होके यहाँ आए थे हमें चार ही चीजें परेशान कर रही थी, पांचवी कोई चीज नहीं थी, लेकिन पांचवे थे हम खुद। हर व्यक्ति अपने आप को छोड़कर कभी घर से बाहर नहीं निकलता। हम जहां जाते हैं स्वयं को लेकर जाते हैं। मतलब तुम्हें पिक्चर हॉल में, सर मूवी थिएटर हॉल में आपको आत्मानुभूति हो सकती है, लेकिन जिस दिन आप ये सोच के मूवी देखने जाओगे कि मैं मुझे देखने जा रहा हूं, शायद तब, शायद, क्योंकि वहां तो वैसे भी अशुभ उपयोग का स्थान है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कितने इतिहास में पर आप
पुराण पढ़ो आपको कितने सारे ऐसे कैरेक्टर मिल जाएंगे जिनको वैश्यालय में सम्यक दर्शन हो रहा है। कैसे? वो तो अशुभोपयोग का स्थान था। नहीं नहीं नहीं, बच्चे को तो मंदिर आना बहुत जरूरी है, बिना मंदिर के हमारे बच्चे गधे हैं। वाह, सारी अपेक्षा किससे करनी है? बच्चे से। और खुद अपनी आत्मा का अनुभव बिल्कुल नहीं, वो ना जाए गलती से। आत्मा का अनुभव हो जाएगा तो लड़के का कल्याण कौन करेगा? लड़की का कल्याण कौन करेगा? कल्याण मतलब शादी। सब मतलब मैं आपसे इतना कह रहा हूं, आप अपने आप को विचारक बनाएंगे जिस दिन, उस दिन आपको समझ में आएगा कि दूसरों की बातों की आपको जीवन में कोई आवश्यकता है। तब आपको अपनी लाइफ में वो चाहिए होगा जिस आदमी ने लाइफ को जिया, तब आप आओगे इनकी शरण। उससे पहले आपको आपको दुनिया की ही शरण दिखाई देगी। भाई कौन सा टाइल्स लगाने से अच्छा रहता है? तुम्हें पता है सारे के सारे टाइल्स खराब होते हैं, ये कब समझ में आएगा? मैं फिजिकली बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं ज्ञान आत्मा की बात ही नहीं कर रहा। सारे जितने घुड़े घुटने के दर्द वाले लोग हैं, ये सारा तुम्हारे घर के फर्नीचर बता रहा है तुम्हारे पैरों में घुटने में दर्द क्यों है। लेकिन नहीं, चमकना तो चाहिए पंडित जी, मंदिर में दुनिया की सबसे अच्छी चीज लगानी चाहिए। अरे अच्छे की परिभाषा कौन बनाएगा? अच्छा किसे कहते हैं, इसका स्वरूप कौन समझेगा? तो पैसा ही अच्छा, जिस चीज में ज्यादा खर्चा हो वो अच्छा है। अरमानी का हम वो ड्रेस लेके आएंगे जो सबसे अनकंफर्टेबल हो हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अरमानी के रेंज में सबसे सस्ता वो ही आना था। लेकिन ये नहीं समझेंगे भाई, जितना कंफर्ट आप अपनी लाइफ में सीखते हो उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जितने भी आपने जहां जहां भी फिल्म स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, इनसे हम जितनी बातें सीखते हैं, मैं आपसे कहता हूं ये जितने टाइट कपड़े पहन करके फोटो खिंचवाते हैं उतनी ही स्पीड में उन्हें उतारते हैं। इस बात का ध्यान नहीं रखते कि बगल में कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है, आगे कौन बैठा है, ऐसे छूटते हैं। फिर हम क्या बताएंगे, क्यों करना है ऐसे काम लाइफ में? भाई सिर्फ कषायों के जमा खर्च के अलावा हमारी लाइफ में सच में कुछ नहीं बचा। तो बात को उस दृष्टि से आप विचार करें तो आपको समझ में आएगा भाई मैं इंद्रिय वाला नहीं हूं, तो मैं कौन हूं, इस बात का जवाब आपको मिलेगा। तो आशय ये था, जो बात मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में आपकी मानसा जिस ग्रंथ के लिए नाम बताया था, आपकी मानसा में उन्होंने पुण्य और पाप की परिभाषा बनाई। पुण्य किसे कहते हैं और पाप किसे कहते हैं? पुण्य उसे कहते हैं जहां परिणाम विशुद्ध हो। तो हो सकता है मंदिर में आपको शोभिन न लगे। और पाप किसे कहते हैं? जहां परिणामों में संक्लेशता आए उसे क्या कहते हैं? हो सकता है मंदिर में आपको पाप। परिणामों का इतना बड़ा खेल है कि लोगों ने जब मंदिरों में बच्चों को, नए युवा को परेशान करना शुरू कर दिया तो उन्हें वो स्थान संक्लेशता से भरा मिला, उन्होंने वहां आना छोड़ दिया। हम खुद अपने जितने भी शांति लाने वाले स्थल हैं उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। तो बाकी के लोगों को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई, कितने सारे फाउंडेशंस हैं, कितने सारी ज्योतियां हैं, कितने सारे पचासों चीजें लोगों ने बना रखी है जहां पर वो आपको सिर्फ इतना बताते हैं फ्रीली रहो। हमारे मंदिर ऐसे क्यों नहीं हो सकते? नहीं, वो तो भाई ऐसा है, विधान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। विधान करने का मतलब पता है आपको? उन शब्दों पर विचार करने को हम तैयार नहीं है, सिर्फ जोर जोर से म्यूजिक बजा करके गाने वाले एक आदमी को बुला लेते हैं, हमारा काम खत्म हो जाता है। पूरी दुनिया इसी बात को तो गाली दे रही है तुमको, और क्या कह रही है, तुमने बुद्धि में लाने का इतना काम नहीं किया और काम बहुत बड़े बड़े कर। भाई साहब हमने आज तक 16-17 बार सिद्ध चक्र मंडल विधान कर लिया, मुझे बस इतना बता दो अर्धनारीश्वर का क्या मतलब होता है? नहीं भैया, अर्धनारीश्वर तो शिव जी को कहते हैं ना। नहीं, सिद्ध भगवान का नाम है अर्धनारीश्वर। आप समझो मेरे कहने का मतलब, समझिए आप क्यों करना है लाइफ में कुछ? बस इसीलिए क्योंकि हाथ पैर है हमारे पास, बस इसीलिए क्योंकि फ्री टाइम है, बस कुछ ना कुछ करते रहेंगे मनोज जी।
क्यों भाई? क्योंकि गलती से दिमाग में कुछ घुस गया तो उसको समझना पड़ जाएगा, उसका विचार करना पड़ जाएगा, इसके सारा काम शरीर का, शरीर में मिटा और छुट्टी का। खाना क्यों खाना है तो वो ही हमें समझ में नहीं आता है। भैया आपने हमारे घर में कुछ लिया ही नहीं, तुमको पता चला भैया को चाहिए क्या था? ये सारा मेरे बात समझ, मेरे को आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, कोई 1% भी। मैं तो सिर्फ आपको इतना समझाना चाह रहा हूं, हमने अपना दिल गधी को दे रखा है तो परी भी आ जाएगी तो हमें कभी पसंद नहीं आने वाली है। ऐसे बहुत सारी इतनी लोकोक्तियां लिख रही हैं लोगों ने, इतना इतना माल मटीरियल लिखा हुआ है, आप साहित्य खोलिए पढ़िए तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। बहरहाल मुझे सिर्फ एक लाइन आपको समझानी थी, बिल्कुल अंतिम समापन करता हूँ। सब मिलकर एक बार सूत्र पढ़ते हैं, कल आपको सूत्र का अर्थ बताता हूँ, ठीक है? स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणं। स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणं। ऐसा मजा नहीं आएगा। स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकं। स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणं। ज्ञानं प्रमाणं। अब आपके पास 23 घंटे हैं, इस एक लाइन पर आपको जो जहां मिल जाए पढ़ के आना, फिर देखते हैं आप लड़ाई करेंगे, फिर देखते कौन जीतेगा, आप की नहीं सारा। अरे नहीं, ये देखो ये हारने वाले लोग भी पढ़ेंगे नहीं, पक्की बात है। किताब से नहीं पढ़ाई होती सर, एक बार स्वापर विचार करने के लिए तो बैठ के देखो, अपूर्व पर विचार करने को तो बैठो। हर चीज क्यों चाहिए तुमको किताबों में से? किस दिन हम जैसे हम बच्चों को बहुत ये सिखाने की कोशिश करते हैं इस मार्ग में, बेटा क्यों बार बार तुम्हें हिंदी का ट्रांसलेशन चाहिए? क्योंकि आज तुम्हें हिंदी का चाहिए होगा तो अमेरिकन को इंग्लिश का चाहिए होगा, फिर किसी को फ्रेंच में चाहिए होगा, किसी को स्पेनिश में चाहिए होगा। कुरान पता है कितनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है? मोर देन 34 लैंग्वेजेस। आपको पता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक कितनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है? 8। क्योंकि हमें उसमें मर्म दिखाई नहीं देता, मर भी नहीं दिखाई देगा तो उस पर विचार कहां से हुआ। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब मेरा इतना सा था कि आपस विचार करो, सबको पता है स्व का मतलब क्या होता है, स्व अपूर्व का मतलब क्या होता है, जो पूर्व में नहीं हुआ, अर्थ का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं अदान जगत में जितने गे हैं उस सबको अर्थ कहते हैं। व्यवसाय का मतलब क्या होता है? व्यवसाय सही, पैसा कहां मिलेगा, दुकान में मिले, तो होता है। मैं आपको उसी को उदाहरण देके व्यवसायात्मक सब व्यवसायात्मकता समझाऊंगा, आने दो, कल आएगा सब बहुत मजा आएगा। और फिर क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान कैसे काम करता है? इन सब में ज्ञानपना कैसे पाया जाता है इन सब पर? और फिर सारे ज्ञान प्रमाण होते हैं क्या? क्या दुनिया में जो भी नॉलेज है सब वेरीफाइड और 100% ट्रू नॉलेज है? इस पर हम सभी बातों पर कल से बढ़िया से विचार करेंगे। तो आप जरा सोच के आना कि यहाँ क्या लिखा होगा, क्या नहीं लिखा होगा, किस शब्द में क्या अर्थ किया होगा, आपको बिल्कुल राजवार्तिक की स्टाइल में कौन से शब्द से कितने कितने अर्थ हो सकते हैं, फिर कौन सा यहाँ लगाएं कौन सा ना लगाएं, आपको खुद किसी हिंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। तो कोशिश कीजिए, आप करके देखो, आपको जितना मजा आएगा उसके बाद देखना कितना मजा और उसमें से निकल सकता है। इस प्रकार से हम न्याय के लॉजिक जो कि आज पूरी दुनिया में सबसे फेमस है, सबको लॉजिक चाहिए पड़ते हैं। आप जो बोलोगे मैं उसका लॉजिक आपको निकाल के दिखाऊंगा, हर बात का लॉजिक आचार्य ने उस पर विचार किया है, चिंतन किया है, मनन किया है। मेरी जितनी समझ होगी उसके हिसाब से हम उस पर जरूर विचार करेंगे। आज के लिए अर्धनारीश्वर का अरे छोड़ दिया सब, मैंने एक नहीं ऐसी 25 चीजें छोड़ी तो कुछ तो